नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी जिले के गांव कोट में सोमवार को सुबह जोहड़ में डूबने से किशोर का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। गांव के सरपंच द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लोगों से संपर्क साधकर शिनाख्त का प्रयास कर रही है। गांव के सरपंच ने बताया कि एक व्यक्ति भैंसों को पानी पिलाने के लिए जब जोहड़ में लाया तो देखा कि किसी व्यक्ति का शव पानी में तैर रहा था। उस व्यक्ति ने मुझे बताया तो मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसने मामले का संज्ञान लिया तथा शव को बाहर निकाला। वहीं SHO का कहना है कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद हम लोग वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल शिनाख्त चल रही है। मृतक की उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि शिनाख्त के लिए हम ग्रामीणों से संपर्क साध रहे हैं ताकि मृत किशोर की पहचान की जा सके। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज सरपंच कोर्ट ने सूचना दी मुझे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कि एक लड़का जो है डूबा हुआ है गांव के जोड़ में। इस सूचना के पाते ही हम मौके पहुंचे हैं। मौके पर जाके देखा है तो एक लड़का करीब 14-15 साल की उम्र है जो डूबा हुआ प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया देखने से। इसको बाहर निकाला गया है। FSL टीम को मौका बुलाया गया है और आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक बॉडी जो है आइडेंटिफाइड नहीं है। इसके लिए आस पड़ोस में स्कूलों में आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है और इसका भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इसकी सबसे पहले आइडेंटिफाई हो। वही जोड़ में डांगर पशुओं ने पानी पियाने खातर आए थे जो पता पड़ा वही एक डेड बॉडी पड़ी है जोड़ में। तुरंत औद्योगिक क्षेत्र थाना को सूचित करा। डेड बॉडी गांव की नहीं है बाहर की है। ना कोई पहचान नहीं है अभी तक कोई पहचान नहीं मिली। मैं कोट गांव का सरपंच हूँ। मैं आस पड़ोस में या बैंक कॉलोनी है जैसे कोट रोड है या आदमी भेज भेज के पता कर रहे हैं इसकी छानबीन तला मतलब इसकी पहचान करने के लिए। पुलिस ने क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन आया है जी। अभी डॉक्टर टीम भी आई है वो अपना कार्य कर रही है। क्या नाम मेरा? अरविंदर सिंह।